नमस्कार, डीएनएक्स धर्म कर्म में स्वागत है आपका। एकादशी व्रत महिमा, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी जो मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की महिमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी तिथि को भगवान नारायण श्री हरि का स्मरण करते हुए व्रत रहने का विधान है। शास्त्रों में वर्ष भर के पूरे माह के प्रत्येक पखवाड़े में पड़ने वाले एकादशी की महिमा बताई गई है। श्री हरि नारायण ने स्वयं अपने मुख से एकादशी की महिमा और इससे होने वाले लाभों को बताया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं आज मोहिनी एकादशी व्रत की महिमा। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर श्री हरि भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया मोहिनी एकादशी के व्रत उपवास और इसकी महिमा। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया, त्रेता में भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जो बात आज आप मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, भगवान जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को बताया, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। एकादशी तिथि और इसके व्रत के संबंध में महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था। धृतिमान बहुत ही सत्य प्रतिज्ञ राजा थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु के भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, शुक्रित तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि सबसे छोटा और 5वां पुत्र था। वह बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वेश्यागमन भी उसकी दिनचर्या में शामिल था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। धृष्ट बुद्धि दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद करता था। एक दिन धृष्ट बुद्धि वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा उसके बंधु बांधव ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबे रहता था। दिन रात कष्ट उठाते हुए वह इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से धृष्ट बुद्धि महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो कौंडिन्य मुनि के चरणों पर गिर गया। मुनि और कौंडिन्य के आगे हाथ जोड़कर धृष्ट बुद्धि खड़ा हो गया। धृष्ट बुद्धि ने मुनि कौंडिन्य से कहा, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्यकाल के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। मुनि कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। धृष्ट बुद्धि की कथा सुनाते हुए वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा। मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। श्री वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं, नृप श्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है और इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। एकादशी में चावल न खाने का रहस्य।